नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तारा मधु की रसोई से। दोस्तों आज मैं आपके साथ राजमा की रेसिपी को शेयर करूंगी। राजमा जो कि बहुत ही पॉपुलर डिश है और सभी के घर में बनती ही है, लेकिन आज हम राजमा बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में, क्योंकि पंजाबी स्टाइल का राजमा अगर आपने एक बार खा लिया तो आपके मुंह से उसका स्वाद आसानी से नहीं जाएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी पोस्ट करूंगी आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब राजमा बनाना। यहाँ पर मैंने 2 कप राजमा रात भर भिगो के रखा है, अब मैं उसे बॉईल कर लूंगी। उसके लिए मैंने उसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है, साथ में ऐड किया है 2 ग्लास पानी और 1 चम्मच नमक। अब मैं इस प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और लगभग 4 से 5 विसल आने तक इसे बॉईल करूंगी। अब हम तैयार कर लेते हैं इसका मसाला। मैंने मिक्सर में डाल दिया है 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, साथ ही डाला है 1 बड़ा टमाटर, कुछ लहसुन की कलियां यानी कि गार्लिक क्लोव्स, 2 हरी मिर्च और 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा। और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से। ये लीजिए मेरा मसाला ग्राइंड हो चुका है, कुकर में भी सीटी लग चुकी है। अब ये ठंडा हो चुका है, मैं इसे खोलकर चेक कर लूंगी। आप हमेशा प्रेशर कुकर खोल के राजमा चेक कर लें कि वो बॉईल हुआ है या नहीं। अगर कसर रह गई है तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। हमारा राजमा एकदम बॉईल हो चुका है। चलिए अब इसका तड़का बना लेते हैं। उसके लिए मैं रखूंगी 1 फ्राइंग पैन, इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा तेज पत्ता, 1 हरी इलायची और साथ ही डालूंगी 1 मोटी वाली इलायची। इन दोनों इलायचियों को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा और इसे भूनूंगी। अब ये लगभग भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने मिक्सर में पेस्ट बनाया था, प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची वाला, उसको अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पूरे मिक्सचर को, और इसे तेल छोड़ने तक भूनूंगी अच्छे से। इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमें अच्छे से अपना मसाला भूनना है। बिल्कुल धीमी आंच पर अपना मसाला भूनिए। अब ये थोड़ा सा भुन चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक, वो हमने पहले भी डाला था तो आप ध्यान से डालिएगा। और इन सारे मसालों को मैं फिर से मिक्स करके इस मसाले को भूनूंगी। मसाला हमारा और बढ़िया भुन चुका है, इसे 1 मिनट और चला लेती हूँ अभी। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच राजमा मसाला पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। ये देखिए मसाले का कलर ही बदल गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। हमारा मसाला भुनकर एकदम तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें अपने बॉईल किए हुए राजमा। ये लीजिए मैंने सारा राजमा इसमें डाल दिया है, और इसे अब मैं 2 से 3 मिनट तक खुला पकाऊंगी, और अब इसे मैं ढककर 2-3 मिनट और पकाऊंगी। 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमारा राजमा एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। तो बस अब देर किस बात की, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। दोस्तों शायद ही कोई होगा जिसे राजमा और चावल का कॉम्बिनेशन पसंद ना हो, तो मैंने राजमा और चावल का ही कॉम्बिनेशन लिया है। उसे गार्निश किया है अनियन के स्लाइसेस और थोड़े से धनिया पत्ता के साथ। आप जैसे चाहें इसे सजाएं, जिसके संग चाहें उसके संग खाएं। हमारा एकदम मसालेदार पंजाबी राजमा बनकर तैयार हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।